हेलो दोस्तों, अगर आप श्रम कार्ड बनवाने के लिए सोच रहे हैं या फिर बनवाना चाहते हैं लेकिन आपको श्रम कार्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को श्रम कार्ड के लाभ और नुकसान, श्रम कार्ड से होने वाले फायदे, क्या सच में मोदी सरकार मजदूरों के बैंकों में पैसे भेजेगी तो आखिर कितना भेजेगी, आखिर कब तक श्रम कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते, श्रम कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में जान जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को जो दिखता है वही बिकता है। चलते श्रम कार्ड के बारे में बात करते हैं। श्रमिक कार्ड या श्रम कार्ड ऐसी योजना जो नरेगा में काम करने वाले मजदूरों के लिए लागू करते हैं। श्रमिक कार्ड केवल मजदूर ही बनवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। श्रम कार्ड के लाभ के बारे में बात करते हैं। श्रम कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं तो आपके परिवार में या आपकी किसी भी दुर्घटना की ग्रस्त आपकी मृत्यु हो जाती है, आपको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मिलेंगे और आपके आंशिक रूप से अगर विकलांग हो जाते हैं आपको सरकार 1 लाख का मुआवजा देगी, साथ ही आपका सहायता भी करेगी। अब बात करते हैं श्रमिक कार्ड कौन कौन बनवा सकते हैं। श्रमिक कार्ड उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो प्रतिदिन मजदूरी करते हैं, जैसे राजमिस्त्री, कारपेंटर, लोहार या फिर किसी तरह की मजदूरी करते हैं, ये लोग अपना श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। अब तक 14 करोड़ मजदूर श्रम कार्ड बनवा चुके हैं, लगभग 38 करोड़ मजदूर श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। यह योजना पूरे देश में लागू। अगर आपने अभी तक अपना श्रम कार्ड नहीं बनवाया तो अंतिम तिथि से पहले अपना श्रम कार्ड बनवा ले। अभी तक केंद्र सरकार ने श्रम कार्ड बनवाने के लिए अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की, उससे पहले सभी मजदूर अपना श्रम कार्ड बनवा ले। अगर आप अपना श्रम कार्ड अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप से बनाना चाहते तो आपको अपने क्रोम पर अपना श्रम कार्ड लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, आप अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। अब बात करते हैं श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन दस्तावेज चाहिए। श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए ये दस्तावेज चाहिए, नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 बैंक पासबुक, नंबर 3 पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 4 कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें आयु का उल्लेख 1 वर्ष में 90 दिनों का श्रमिक कार्ड का प्रमाण का पत्र हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में।